दोस्तों गुड़हल का पौधा हर किसी के गार्डन में होता है और गुड़हल का पौधा जो है आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप चाहे कटिंग से लगाएं चाहे या पौधा लेकर नर्सरी से लाएं, लेकिन इसके लिए जो जो टिप है जो इसमें अच्छे फ्लावरिंग के लिए जो इसमें जैसे कई लोगों के क्वेरीज होती हैं कि इसकी जो कलियाँ हैं वो खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं, या कोई कीड़ा लग गया या मिली बग लग गई या फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो सब क्वेरीज आज दूर करूँगा। क्योंकि कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि कलियाँ तो बहुत आ रही हैं लेकिन सब झड़ जा रही हैं, कोई एक आध फूल जो है वो खिलता है। मेरे गुड़हल के पौधे में देखिए कितनी अच्छी कलियाँ और कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। देखिए इसमें कलियाँ भी हर ब्रांच से 2 या 3 कलियाँ निकल ही रही हैं। देखिए इसकी जो केयर है वो मैं आपको सब बताऊंगा वीडियो में, आप वीडियो में बने रहिए। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल में वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ये देखिए मेरे गुड़हल का जो पौधा है ये 12 इंच के पॉट में लगा रखा। गुड़हल का पौधा जो है आप अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तब तो उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन में जो है न्यूट्रिशन जो है गुड़हल का पौधा खुद ले लेता है। और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो देखिए इसको कम से कम, अगर ये हाइब्रिड क्वालिटी का गुड़हल है जो मैंने नर्सरी से लाया था 3 साल पहले, तो इसकी मैंने कटिंग करी थी और इसकी जो रिपोर्टिंग करी है उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ से। इसकी रिपोर्टिंग अभी भी कर सकते हैं आप, अगर आपका पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो है इसकी जो मिट्टी है, देखिए मिट्टी जो हमेशा इसकी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, और ज़्यादा सूखी भी नहीं रहनी चाहिए। इसमें मिट्टी हमेशा थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहे जिससे कि पौधे को ग्रोथ मिलती रहे और जो मिट्टी के न्यूट्रिशंस हैं इसमें मिट्टी में घुलते रहें और पौधा उसकी न्यूट्रिशन लेते रहे। तो आप जो इसकी मिट्टी है सबसे पहले जो है उसमें अगर आप यूज कर रहे हैं राइस हस्क का भी यूज करेंगे तो इसकी मिट्टी थोड़ी मॉइस्चर रहेगी और ज़्यादा पानी नहीं रहेगा। और इसकी मिट्टी हमें इस टाइप की नहीं बनानी है जैसे कीचड़ वाली हो जाती है, कीचड़ टाइप की मिट्टी नहीं बनानी, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए हल्का और ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी जो कलियाँ हैं मेन कारण यही रहता है कि इसमें अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा कर रहे हैं तो इसकी कलियाँ जितनी हैं वो खिलने से पहले झड़ जाती है। इसमें हल्का हल्का जैसे येलो टाइप का होने लग जाएगा कली में, आपकी अगर पौधे की अगर कली येलो टाइप की हो रही है तो समझ लो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है। कई लोग मेरे से जो मेरे वीडियो देखते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि आप गुड़हल के पौधे की केयर किस प्रकार से करते हैं, तो आप देखिए जैसे जो इसमें गुड़हल का पौधा अगर जैसे फूल खिल गया है, देखिए जैसे खिल के मुरझा गया है तो इसको आप डेड हेडिंग कर दिए। डेड हेडिंग मतलब इसको जब भी आप गुड़हल का पौधा कोई देखें उसमें अगर फूल अगर सूख गया है तो उसको निकाल दें। कोई भी पौधे में अगर फूल एक्स्ट्रा जो सूख जाता है वो ग्रोथ रोक देता है वहाँ पर को, क्योंकि पौधा जो है सारे न्यूट्रिशंस उसमें देना स्टार्ट कर देता है। अगर उसको तोड़ देंगे तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो नई स्टार्ट होगी, और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से तोड़ा है तो इसमें से नई कलियाँ स्टार्ट हो जाएंगी आना। जो ये बिन मौसम बरसात हुई है 1-2 दिन, उससे क्या है इसमें जो पत्तियाँ वगैरह हैं सब धूल मिट्टी वगैरह सब हट गई है, और जितने इसमें कीड़े मिली बग वगैरह लगी थी सब हट जाएंगे। तो आप इस समय इसकी ग्रोथ के लिए आप इसमें एक तो सबसे पहले इसमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दें, क्योंकि अगर बारिश हुई है मैंने देखिए मिट्टी की गुड़ाई कर रखी है हल्की हल्की, क्योंकि बरसात के समय अगर पानी इसमें रुक गया तो आपका पौधा भी ख़राब हो सकता है। सबसे पहले तो आप इसकी गुड़ाई करके इसमें ये देखिए मेरे हाथ में ही देखिए ये चीज़ है, इस चीज़ का यूज करेंगे तो आपको और कोई खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का यूज अगर आप डेली बेसिस में भी करते हैं 3-4 दिन में तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और फूल भी इसमें अच्छे आएंगे। ये देखिए यह है यूज्ड की हुई चाय पत्ती, जो चाय पत्ती हम घर में यूज करते हैं उसके बाद उसको फेंक देते हैं, अगर उसको फेंकेंगे नहीं और उसको सुखा के रखेंगे। इसमें देखिए इलायची और अदरक भी है, इसमें भी कई प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, अगर इसको आप यूज करेंगे तो आपकी मिट्टी भी पोरस बनेगी और आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। देखिए इस प्रकार से आप यूज्ड की हुई चाय पत्ती को इसमें हल्का 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 इस तरीके से डाल देंगे, इससे क्या होगा इसमें जो घुलेगा इसमें अगर मिट्टी में तो आपके पौधे को पोटेशियम और फास्फोरस मिलते रहेगा। गुड़हल के पौधे में अगर कलियां नहीं आ रही है तो इसका एक मेन रीज़न ये भी रहता है कि इसमें अगर आप जो खाद वगैरह दे रहे हैं
वो इसके लिए पर्याप्त नहीं हो रही है, क्योंकि इस समय जो है गुड़हल की ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें फूल और कलियाँ अच्छी आती हैं। तो इस समय आप खाद का जो प्रयोग है वो अच्छी मात्रा में करें, और अगर इसको अच्छा भोजन मिलेगा तो अच्छे इसमें फूल भी आएंगे। तो आप जो खाद दे रहे हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम जो भी दे रहे हैं आप, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसके अलावा अगर इसको इसमें फूल अच्छे चाहिए और के कलर वगैरह सब बढ़िया चाहिए, तो आपको केमिकल का यूज करना पड़ेगा। केमिकल का यूज इसमें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फूलों वाले पौधों में कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये है, ये देखिए ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें तीन प्रकार के जो न्यूट्रिशन पौधों को चाहिए होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों पौधों को अगर मिल रहे हैं तो इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और फूल भी अच्छे आएंगे। इसका उपयोग आप इस ऐसे करेंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट पौधे में ऐसे दे देंगे तो पौधे को जो आप गर्मियों का सीज़न है पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आप इसको देखिए, जैसे ये साइड में गमले के साइड में दो दो चार दाने यहाँ डाल देंगे, इसी प्रकार से इस साइड में भी दो चार दाने यहाँ डाल देंगे, ऐसे ही इस प्रकार यहाँ साइड में खोद के बिल्कुल जड़ के पास नहीं देना है, गमले के साइड में देना है, जिससे कि ये घुलते रहे और पौधे को न्यूट्रिशन मिलते रहे। इस प्रकार से आप इसमें ये देकर इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, पानी की मात्रा इसमें जितनी कम करेंगे उतने अच्छे फूल इसमें खिलेंगे और आपकी कलियाँ भी नहीं झड़ेंगी। इसका उपयोग फूल वाले पौधों में तो कर सकते हैं, क्योंकि फूल जो है हम खाते नहीं हैं, और सब्जियों वाले पौधों में इसका उपयोग नहीं करना है। जैसे आप कोई सब्जी वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट और खाद का ही उपयोग करें, गोबर की खाद या लीप कंपोस्ट का उपयोग करें, क्योंकि सब्जियां हम जो है खाते हैं। अगर केमिकल का यूज करेंगे सब्जी वाले पौधे में तो वो केमिकल हमारे शरीर में भी जाएगा, वो नुकसानदेह होता है। इसलिए उसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और लीप कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप DAP का यूज कर सकते हैं इसमें। दोस्तों, गुड़हल के पौधे की जो आप प्रूनिंग वगैरह टाइम से कर रहे हैं तो इसमें अच्छी मात्रा में आप फूल और प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे पौधे को 3 साल हो गए हैं और मैं इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते रहता हूँ। देखिए जड़ से देखिए कितने, एक एक ब्रांच आई, एक ब्रांच ये आई है, एक ब्रांच ये आई है और एक ये है। इसको अगर इतनी मात्रा, इतनी जगह अगर छोड़ी रखेंगे इसमें गुड़हल के पौधे में, तो इसमें हवा पानी का भी संतुलन बने रहेगा और पौधा आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। और अगर आपके इसमें मिलीबग लगते हैं, जैसे सफ़ेद सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं कलियों में, अगर आपके उसमें ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पानी से धोइए, जहाँ मिलीबग लगी है उसको पानी से धोइए, और उसमें नीम ऑयल का हर 8-10 दिन में उसका यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल से जो है आपके मिलीबग सब हट जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।